वो है ह्यूमन रिप्रोडक्शन अब ह्यूमन रिप्रोडक्शन के अंदर जब मैं प्रोसीड करूंगा तो छोटे छोटे पॉइंट अगर ह्यूमन रिप्रोडक्शन की बात की जाती है तो यहां से जो क्वेश्चन पूछा जाता है बेसिकली यहां से जो क्वेश्चन पुट किया जाता है वो क्वेश्चन किस पे पुट किया जाता है स्टार्टिंग के अंदर मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर पे बहुत रेयर क्वेश्चन आते हैं मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर बोल रहा हूँ सुने प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन टेस्टिस अगर मैं बात करता हूँ मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर की तो मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर के अंदर प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्या होता है प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन टेस्टिस टेस्टिस की इंटरनल स्ट्रक्चर पूरी कंप्लीट आपके सामने है अच्छे से देखें इसको कि टेस्टिस के स्ट्रक्चर के अंदर ये सेमिनि फेरेस्टिब्यूल वन टू थ्री टेस्टिकुलर लोब्यूल आपको देखने को मिल रहा है सेकंड वन किसको डिफाइन कर रहा है ये टेस्टिकुलर लोब्यूल को ये पॉइंट आप अच्छे से एनालाइज कर लें ये जो सेकंड पॉइंट यहाँ पे डिफाइन कर रहा है ये किसको डिफाइन कर रहा है टेस्टिकुलर लोब्यूल ये टेस्टिकुलर लोब्यूल को डिफाइन कर रहा है और ये इसके बीच में प्रेजेंट सेमिनिफेरस टिब्यूल्स ये क्या है सेमिनिफेरस टिब्यूल्स टेस्टिकुलर लोब्यूल टू हंड्रेड टू फिफ्टी आपको इन ईच टेस्टिस देखने को मिलता है एंड आफ्टर दैट यहाँ पे सेमिनिफेरस टिब्यूल इनर साइड के अंदर होती है सेमिनिफेरस टिब्यूल से फर्दर फर्द ट्यूब्यक्टाइ रेटेटेस्टिस वासा साइफ्रेंशिया एपेडीडाइमिस एंड वासा डिफ्रेंशिया जो अपर साइड में जाकर के लूप बनाएगी क्लियर ये पॉइंट आपको अच्छे से पता होना चाहिए फिर उसके बाद अगर अपने डिस्कस करते हैं छोटे छोटे पॉइंट्स देखें क्या है कि वन टू थ्री सेमीफेरस टिब्यूल होंगी टेस्टिकुलर लिब्यूल टू फिफ्टी के अराउंड होंगे पूरा कंप्लीट अगर मैं बात करता हूं तो आपको यहां पर कवरिंग देखने को मिलती है जो स्क्रोटल हो स्क्रोटम होता है स्क्रोटम के अंदर स्क्रोटल सैक होगा जिसमें थ्री लेयर्स होंगी ट्यूनिका वेजाइनलिस ट्यूनी का एल्बोजीनियन ट्यूनिका वेस्कुलोसा क्लियर

और एक बात देखें आप अच्छे से एक जो पॉइंट मैं आपको से, आप से लोगों से डिस्कस करना चाह रहा हूं एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन सर्टोलीट होता है, होती है और स्पर्म का जो मेच्युरेशन होता है वो एफ के हाथ में होता है एफ क्या करता है ये कर सारे पॉइंट क्लियर हो जाए एनसीआरटी के अंदर जो आपको गिवन है रेगुलेशन अगर देखें तो रेगुलेशन के अंदर एल एच जो होता है वो जाकर के वो करता है लीडिंग सेल पे लीडिंग सेल से टेस्टोस्टिरोन सिकट होता है और ये टेस्टोस्टिरोन फर्दर जाकर के एक्यूमुलेट होता है इन द इन द ल्यूमन ऑफ सेमिनिफेरस टिब्यूल सर्टोली सेल्स जो होती हैं सर्टोली सेल फर्दर एंडोजन बाइंडिंग प्रोटीन को रिलीज करती है इनिबिन को रिलीज करती है और एंटीमुलेरियन हार्मोन को रिलीज करती है ये तीनों के तीनों हेल्प करते हैं फर्दर स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस में एक्सेस स्पर्मेटोजेनेसिस होता है तो ये जाकर के ब्लॉक करता है और एक्सेस स्पर्मेटोजेनेसिस होता है तो जाकर के ये पाथवे को ब्लॉक करता है तो ये पॉइंट आपको अच्छे से क्लियर रहे क्रिस्टल क्लियर ठीक है नेक्स्ट वन अच्छे से देखें क्या पॉइंट है फिर फर्दर उसके बाद अगर अपने डिस्कस करते हैं तो स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस ये आपको पता होना चाहिए डिफाइन कर चुका हूं मैं मियोसिस के अंदर कि स्पर्मेटोगोनिया प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट क्रोमोसोम सेपरेट आउट सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइड सिस्टर सेपरेट आउट स्पर्मेटेड बनाते हैं और इनसे स्पर्मेटो की फॉर्मेशन होगी ये पॉइंट क्लियर हो जाए और यहां पर पूरा डिफ्रेंशिएशन पैटर्न आपको डिफाइन किया हुआ है जिसके अंदर स्पर्मेटोसाइड सेकेंडरी स्पर्मेटेड एंड स्पर्मेटो टू एन होती है ये ये एन होती है ये एन टाइप होते हैं क्लियर ओके तो अपने आगे प्रोसीड करते हैं अब फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर यूट्रस की स्ट्रक्चर आपको बहुत अच्छे से क्रिस्टल क्लियर समझ में आ जाए यूट्रस के अंदर पूरा कंप्लीट जो फेलोपिन ट्यूब उसके अंदर मिलने वाली जो फिमरी फिमरी से ओस्टियम कैसे एंट्री लेगा इनफंडीबुलम की एंट्री इनफंडीबुलम से फर्दर किस तरीके से डेवलपिंग ओवम जो है इसके अंदर एंट्री लेंगे ये सारे पॉइंट्स आपको अच्छे से क्रिस्टल क्लियर हो जाने चाहिए एंड आफ्टर दैट आफ्टर दैट अपने बात करते हैं कि जो ओवा होता है वो कॉलोमर यहाँ पर की वजह से एम्पोल रीजन में आता है जहां पे फर्दर आपको क्या देखने को मिलता है फर्टिलाइजेशन क्लियर अब आ जाइए नेक्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जहां से इस साल इस चैप्टर से क्वेश्चन आने लायक है और क्वेश्चन हंड्रेड वन आपको देखने को मिलेगा स्ट्रेट फॉरवर्ड में आप वो डिस्कस कर रहा हूँ रहा कि यहाँ पर फर्टिलाइजेशन टू सेल फोर सेल एट टू सिक्सटीन सेल स्टेज और जाकर के फिर फर्दर ब्लास्टोला एंड ब्लास्टोसिस ब्लास्टोसिस जाकर के यहाँ पे इम्प्लांट होता है ये आपको अच्छे से क्रिस्टल क्लियर हो जाना चाहिए ये पूरा कंप्लीट ब्लास्टोसिस की स्ट्रक्चर डिफाइन की हुई है और एट टू सिक्सटीन सेल स्टेज इन ह्यूमन बींग मोरूला को डिफाइन करता है क्लियर तो ये सारे पॉइंट अच्छे से क्रिस्टल क्लियर हो जाए रिगार्डिंग टू द इम्प्लांटेशन ठीक नेक्स्ट वन फिर फर्दर इस चैप्टर से अगर अपने बात करते हैं <coughs> प्रेग्नेंसी एंड एम्ब्रोनिक डेवलपमेंट प्रेगनेंसी एंड एम्ब्रोनिक डेवलपमेंट में डेवलपमेंट में आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि जो न्यूरो एंडोक्राइनल मैकेजम के थ्रू इनके अंदर पाचुलेशन प्रोसेस होगा और फुल्ली डेवलप जो फीटस होता है प्लासेंटा के थ्रू और एंड फुल्ली डेवलप फीटस के थ्रू इसके अंदर फिटल इजेक्शन रिफ्लेक्स आपको देखने को मिलता है क्लियर तो ये छोटे छोटे पॉइंट्स जो मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ सारे पॉइंट्स आपको पता होने चाहिए आपको बता देता हूँ इस यूनिट के बाद में जो यूनिट आने वाली है ना पंद्रह क्वेश्चन आते हैं उससे अभी मैंने आप लोगों को बताया फिफ्टीन क्वेश्चन सिंगल यूनिट से तो पेशेंस रखें आप अच्छे से वो जल्द ही अपने डिस्कस करने वाले हैं नेक्स्ट यूनिट जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन छोटी छोटी ट्रिक्स बताऊंगा जिससे आपके जो क्वेश्चन हैं वो सारे के सारे सॉल्व होना स्टार्ट हो जाएंगे क्लियर अच्छे से देखें ऊ जेनेसिस अगर आपको अच्छे से देखना है तो ऊ जेनेसिस के अंदर एक छोटा सा पॉइंट आप अच्छे से देख लें जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि स्टार्टिंग के अंदर ओ जेनेसिस प्रोसेस के अंदर ऊ जो होती है वो प्राइमरी ऊ साइड अरेस्टेड होती है डिप्लोटिन स्टेज के अंदर प्रोफेज फर्स्ट की डिप्लोटिन स्टेज में जाकर के अरेस्टेड हो जाती है फीटस के अंदर ठीक है आफ्टर दैट इन एडल्ट स्टेज प्यूबर्टी स्टेज के अंदर वही मेटाफेज सेकंड स्टेज में आकर के अरेस्टेड होती है जब जब वहां सेकेंडरी ऊ साइड से, से, से ओवम रिलीज होता है ये पॉइंट आपको अच्छे से ध्यान रखना है किसके रिगार्डिंग ये पूरा कंप्लीट यहाँ पे जो जेनेसिस प्रोसेस उसके रिगार्डिंग ऊ प्रोसेस के अंदर प्राइमरी ऊसाइट सेकेंडरी ऊसाइट प्राइमरी ओसाइट इन प्राइमरी फोलिकल प्राइमरी ऊसाइट इन सेकेंडरी फोलिकल प्राइमरी ओसाइट इन टर्चरी फोलिकल एंड आफ्टर दैट सेकेंडरी ऊसाइट इन टर्चरी फोलिकल सारे पॉइंट्स आपके एनसीईआरटी ने क्लियर कट डिफाइन हैं ठीक है उसके बाद आप अच्छे से एनालाइज करें <coughs> इस चैप्टर के अंदर जो आपको फाइनली पढ़ना है हॉर्मोन्स ड्यूरिंग प्रेगनेंसी किस किस टाइप के हार्मोन्स आपको देखने को मिलते हैं वो सारे हार्मोन्स यहाँ पे मैंने लिखे हुए हैं अच्छे से देख लें क्या है एम्ब्रियो एंड फीटस अगर प्लासेंटा की फॉर्मेशन होती है उसके बाद आप अच्छे से देखें कि एक्ट एज एंडोक्राइनल एं टिश्यू एस रिलीज होता है एच रिलीज होता है रिलैक्सिन रिलीज होता है ठीक है उसके बाद एस्ट्रोजन प्रोजेस्टीरोन कोर्टिसोल प्रोलेक्टिन एंड थाइरक्सिन ये सारे के सारे हार्मोन जो है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एलिवेटेड फॉर्म के अंदर आपको देखने को मिलते हैं क्लियर फिर फर्दर अपने आगे अगर प्रोसीड करते हैं देखें अच्छे से एनालाइज करें क्या है आफ्टर गेस्टुलेशन लेयर क्या क्या किस किस जो है आपकी एक्ट्रोडम एंडोडम और म्यूजोडम से बनेगा वो सारे पॉइंट मैंने यहाँ पर मेंशन किए हुए हैं आप देख लें एक्ट्रोडम से आपके स्किन हेयर नेल्स एक बात बताऊँ मैं याद रखने का तरीका चैप्टर नंबर सिक्सटीन डाइजेशन एंड एब्जॉर्बशन चैप्टर नंबर सेवनटीन और चैप्टर नंबर एटीन चाहे आपका गैस्ट्रो ट्रैक हो रेस्परिटी ट्रैक हो ये सारे के सारे किससे बनते हैं एक्टोडम से सॉरी इसके अंदर क्या होते हैं एंडोडम से रेस्पिरेटरी ट्रैक और गैस्ट्रो इंटरसैनल ट्रैक आपका बॉडी फ्लूड एंड सर्कुलेशन एंड एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स वाला जो पॉइंट है लोकोमोशन एंड मूवमेंट वाला चैप्टर जो है इसमें मसल्स पढ़ते हो स्कैल्टन सिस्टम पढ़ते हो ब्लड पढ़ते हो हार्ट को पढ़ते हो एक्सक्रीटरी सिस्टम को मेरे अंदर आप नेफ्रोन्स को पढ़ते हो ये सारे किससे मिलकर बने होते हैं ये मीजोडर्मल डिराइब होते हैं जितने भी हैं ठीक है तो चैप्टर नंबर सेवनटीन एंडोडम एटीन नाइनटीन ट्वेंटी टीजोडर्म याद रखने का तरीका बता रहा हूं मैं आपको उसके बाद चैप्टर नंबर 21 वन एक्टोडर्मल आई एक्टोडर्मल ईयर एक्टोडर्मल इसके बाद आप देखें ब्रेन एक्टोडर्मल न्यूरॉन्स एक्टोडर्मल ये तरीका आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाना चाहिए जो मैंने बोला है चैप्टर नंबर 16, 17, नाइनटीन ट्वेंटी ट्वेंटी वन बहुत तरीके से आपको अच्छे से समझ में आएगा देखो इस तरीके से याद रखोगे तो आपको बहुत कुछ याद रहने वाला है ये कहाँ तक रटते फिरोगे आप अब कोई आपसे पूछे एक्सिक्यूटिव सिस्टम पता है मिजोडम सर्कुलेटरी सिस्टम पता है मिजोडम रिप्रोडक्टिव सिस्टम पता है टेस्टिस होते हैं समझ में आ रही बात बात अगर मैं की बात करता बॉडी कैविटीज ओल्ड कनेक्टिव टिश्यू ब्लड वेसल्स लिम्बेटिक वेसल्स सारे के सारे नोटोकोड कोड मिजोडर्मल डिराइव होती है इसमें आएगा देखो मैं आपको बता रहा हूं लंबे समय तक चीजों को याद रखना है सोलह सत्रह अठारह उन्नीस बीस इक्कीस ऐसे याद रखो आप तो याद रख पाओगे अदरवाइज बहुत जो है

जो आपको हमेशा काम आएगा जीवन में एमबीबीएस में जब सेलेक्ट हो जाओगे ना सेलेक्ट होने के बाद फर्स्ट ईयर में एनेटा में ही पढ़ना है आपको पूरा उसमें फिर से पढ़ना पड़ेगा ये सारे पॉइंट तो क्लियर हो जाएगा आपको नेक्स्ट वन अब देखें नेक्स्ट लास्ट एंड फाइनल इस चैप्टर के अंदर जो अपने को देखना है वो है मेमोरी ग्लैंड किसके बारे में मेमोरी ग्लैंड अब मेमोरी ग्लैंड के अंदर जो क्वेश्चन आएगा मैं फिर से बोलता हूं कुछ ही एक ऐसे पॉइंट होते हैं जिन पे जाकर के मैं स्टार लगाता हूं यहां पर पेक्टोरिस मेजर मसल्स जो होती हैं जहां पर मेमोरी ग्लैंड प्रेजेंट होती है और एक एलरी मसल्स प्रेजेंट होती है कॉकरोच के अंदर हार्ट को जो हार्ट होते हैं उनको मैनेज करने के लिए एलरी मसल्स और यहाँ पे पेक्टोरेलिस मसल्स ये दोनों मसल्स आप अच्छे से ध्यान रख लेना छोटा छोटा सारे पॉइंट जो आपको अच्छे से पता होना चाहिए क्लियर इस चैप्टर के अंदर सारे छोटे-छोटे पॉइंट्स जो हैं क्रिस्टल क्लियर हो जाने चाहिए नेक्स्ट <coughs> वन अब देखें इसमें सीक्वेंस क्या होता है पहले सबसे पहले एल्विओलाई सबसे पहले आपको इसका सीक्वेंस देखना है ना सीक्वेंस के लिए मैं यहां पर आपके लिए एक छोटा सा पॉइंट है ये एनसीईआरटी का डायग्राम आपका आपके सामने आ गया इसमें सीक्वेंस देख लें सबसे पहले क्या मिलेगी ग्लैनर टिश्यू इसके अंदर होता है मेमोरी लोब देखने को मिलती है मेमोरी लोब के अंदर क्या होगी एल्यूलस एल्यूलस के अंदर मेमोरी टिब्यूल्स निकलती हैं मेमोरी टिब्यूल से मेमोरी मेमोरी डक्ट और डक्ट से फर्दर मेमोरी एम्पुला और लैक्टिफेरस के थ्रू बाहर की तरफ मिल्क रिलीज होता है तो ये सीक्वेंस आपको क्रिस्टल क्लियर अच्छे से पता होना चाहिए क्या है समझ में आती है बात एलरी <coughs> जो मसल्स होती हैं एलरी मसल्स की अगर मैं बात करता हूं एलरी जो मसल्स होती हैं वो एलरी मसल्स आपको कॉकरोच के अंदर देखने को मिलती है दो पॉइंट पैक्टो पैक्टोरिस मिजर और एलरी ये दोनों आपको अच्छे से पता होने चाहिए ठीक है